हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट क्यूरेटर। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्वाइंस पिकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यह गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक पार्ट है, जैसा कि मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट के फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे जाते हैं, देखो इसमें दिया जाता है कि मान लो एक टेबल है, टेबल पर मान लो कुछ क्वाइंस रखे गए, मान लो यहाँ पर कुछ 20 क्वाइंस हैं। अब दो प्लेयर हैं, एक ए है और एक बी है। बोला जाता है कि दोनों इक्वली स्मार्ट हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्वली स्मार्ट है। अब क्वेश्चन इस तरीके का होता है, जो पहला केस होता है उसमें होता है कि वन हु पिक द लास्ट कॉइन विल लूज द गेम। और एक बार ये होता है सेकेंड, वन हु पिक द लास्ट क्वाइन विल विन द गेम, ठीक है ना। दो तरीके के हैं, दो प्लेयर हैं, दोनों बारी बारी से टेबल पे क्वाइन पिक, टेबल से क्वाइन पिक करेंगे। एक केस में होता है कि जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो गेम हार जाएगा, दूसरे केस में होता है जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो गेम जीतेगा। ये दोनों कंडीशन आपको गिवन होंगी कि कौन सा आपको खेलना है, यानी लास्ट में विन करने पे आप जीतेंगे या लास्ट में पिक करने पे आप हारेंगे, ठीक है ना। तो देखो कंडीशंस क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके का होता है, दो केसेस हैं, दोनों याद रखो। जैसे अगर आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मान लो एक टेबल है जिसपे 10 क्वाइन है, 10 क्वाइन है। अब इसमें एक ए है और एक बी है, दो प्लेयर्स हैं। आप मान लो ए आप खुद हो और बी मैं हूं, यानी बी को मान लो काउच है और ए को मान लो यू है, ठीक है ना। अब देखो कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम एक क्वाइन पिक करना है, यानी जब आपका टर्न आएगा तो आपको कम से कम एक क्वाइन पिक करना है। सेकेंड, मैक्सिमम जो होता है वो आपको 3 क्वाइन पिक करना है, यानी यू कैन पिक 1, 2 और 3 क्वाइंस एट ए टाइम, ठीक है ना। यानी एक बार में आप या तो एक या तो दो या तो तीन क्वाइन पिक कर सकते हो, यानी जब भी आपका टर्न आएगा तो आपको कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वाइन पिक करने हैं। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि आपकी बारी है, किसका टर्न है, आपका, ठीक है ना। और कंडीशन है कि जो लास्ट में पिक करेगा गेम हारेगा, यानी यहां पे देखो मैं कंडीशन एक बार लिख देता हूं, वन हु पिक दी या पिक्स दी लास्ट क्वाइन, पहला केस हम लोग का क्या है, विल लूज दी गेम। ठीक ना, जो लास्ट में पिक करेगा वो हारेगा। सेकेंड वाला केस था हमारा, विल विन दी गेम। तो बताओ अगर हम सेकेंड केस चलते हैं जिसमें लिखा है कि जो लास्ट में कॉइन पिक करेगा वो जीतेगा, ठीक है ना। यानी ये जो गेम हम दोनों खेल रहे हैं हमारा, उसमें क्या है, जो लास्ट में पिक करेगा वो जीतेगा। सपोज करो ये आपका टर्न है, किसका टर्न है, आपका टर्न है। आप बताओ कितने क्वाइन पिक करोगे जिससे आप मैच जीत जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो आप हो और यहाँ पे मैं हूँ, आप जैसे जैसे क्वाइन पिक करोगे अकॉर्डिंगली मैं भी पिक करूंगा और हम दोनों खेलेंगे, और जो लास्ट में पिक करेगा वो क्या करेगा, जीतेगा, ठीक। तो अब बताओ आप कितने क्वाइन पिक करोगे, सोचो थोड़ा सा, उसके बाद से हम लोग गेम खेलते हैं। मैं पढ़ाता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। तो कोई नंबर आप एक चूज करो, गेस करो। चलो ठीक है, मैं बारी बारी से 1, 2, 3 सारे नंबर लेके बता देता हूं, ठीक है ना। तो मान लो आपने एक, ठीक, आपने एक क्वाइन पिक किया, मैं दो क्वाइन पिक करूंगा, टेबल पर कितनी क्वाइन बची है, 7। अब मान लो आप फिर से एक दो क्वाइन पिक करते हो, तो मैं एक क्वाइन पिक करूंगा, टेबल पे कितनी बची, 4। देखो जब टेबल पे 4 क्वाइन बचेंगी तो आप चाहे जितना पिक करोगे मैं जीत जाऊंगा। कैसे, मान लो आपने एक क्वाइन पिक किया तो मैं 3 पिक कर लूंगा, आपने दो क्वाइन पिक किया तो मैं 2 पिक कर लूंगा, आपने 3 पिक किया तो जो बचा हुआ 1 होगा मैं वो पिक कर लूंगा। देखो हर केस में 1+3 = 4, 2+2 = 4, 3+1 = 4। यानी ये ऐसा है
कि ये तीनों एक ही केस है। जब आप वन पिक कर रहे थे तो मैं थ्री कर रहा था, जब आप टू कर रहे थे तो मैं टू कर रहा था, जब आप थ्री कर रहे थे तो मैं वन कर रहा था, यानी आप इस केस में मैच हार चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप टू पिक करोगे तो मैं कुछ पिक करूंगा, आप थ्री पिक करोगे तो मैं कुछ पिक करूंगा और आप मैच हार जाएंगे। ये ऐसा केस है, आप चाहे इरेस्पेक्टिव आप कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पिक करें मैं हमेशा जीतूंगा, ठीक है ना। तो इस कैसे डिसाइड हुआ कि आप कितने पॉइंट पिक करें अगर आपको मैच जीतना हो, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए जिसमें आपको एक गेम खेलना हो जिसमें क्वाइन या कुछ मैचिंग स्टिक्स या कुछ बॉल्स रखी हो टेबल पे और आप दो लोग खेल रहे हो और उसमें आपको कुछ पिक करना हो जिसका मिनिमम पिक मान लो वन है और मैक्सिमम पिक क्या है थ्री है, यह नंबर वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने मिनिमम पिक को ए लिया, मैक्सिमम पिक को क्या लिया बी, यानी आप मिनिमम ए कॉइन पिक कर सकते हैं और मैक्सिमम बी कॉइन पिक कर सकते हैं। उसके बाद से दोनों केसेस में विल विन द लास्ट, मतलब जो लास्ट में पिक करेगा वो मैच जीतेगा। तो एक कौन सा केस होगा, इसको कैसे पिक करेंगे उसको मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो देखो, जब बात आ रही थी हम लोगों की यहां पे कि मिनिमम एक कॉइन पिक करने और मैक्सिमम तीन कॉइन पिक करने हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब मिनिमम एक और मैक्सिमम तीन की बात करता हूं तो क्या करना आपको, मैच जीतना है। अब एक चीज देखो, कौन जीत रहा है, जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो मैच जीत रहा है। अब जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो मैच जीतेगा। तो मैं जस्ट लास्ट में बात करता हूं, मतलब मैं बैक से आता हूं, ठीक है ना, पीछे से देखते हैं हम लोग। तो मान लो लास्ट में जैसे ए और बी की जब बारी है, ए है और ए बी है, ठीक है ना। अब मान लो ए को मैच जीतना है, ए को मैच जीतना है, इसका मतलब टेबल पे जब ए का टर्न हो, लास्ट की बात कर रहा हूं, जो लास्ट में पिक करेगा वो जीतेगा, इसका मतलब जब ए का टर्न होगा तो उस पर कितने होने चाहिए, या तो वन हो या तो टू हो या तो थ्री हो, ठीक। वन टू थ्री में से कुछ भी होगा तो ए पिक करके जीत जाएगा, क्योंकि वो वन टू थ्री कुछ भी पिक कर सकता है और ए जीत गया, ठीक। अब देखो, ए लास्ट टर्न था ए का, अब उससे जस्ट पहले बी के पास कितना होना चाहिए, थ्री तक तो ये संभाल लेगा, बी के पास फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें किस केसेस में ए हारेगा और किस केसेस में जीतेगा। तो देखो, अगर चार पॉइंट है टेबल पे, चार पॉइंट है, ठीक है ना, जब बी अपने लास्ट टर्न पे, दो प्लेयर हैं ए और बी, सबसे लास्ट में ए पिक किया क्योंकि वो मैच जीता था, उसके बाद उससे जस्ट पहले बी पिक किया होगा, अगर बी के पिक करते टाइम पे चार पॉइंट होगा तो देखो बी कितना पिक करेगा, चार में से बी या तो वन पिक करेगा या तो टू या तो थ्री। अब मैंने बताया दोनों इक्वली गुड है इसलिए वो स्मार्ट प्ले करेगा, लेकिन जब टेबल पे चार पॉइंट होंगे तो बी या तो वन पॉइंट पिक करे या तो टू पिक करे या तो थ्री। अगर बी वन पॉइंट पिक करता है तो बचेगा कितना, थ्री, बी टू पिक करेगा तो कितना बचेगा, टू, बी थ्री पिक करेगा तो कितना बचेगा, वन। हर केस में ए के पास वन टू या थ्री कॉइन है और ए डेफिनेटली मैच जीत जाएगा, यानी अगर चार पॉइंट है तो ए जीतेगा, श्योर है ना, क्योंकि बी के पास अगर चार पॉइंट होंगे तो बी मैक्सिमम कितना पिक करेगा, चार, तीन, जब तीन पिक करेगा तब भी एक पॉइंट टेबल पे बचा होगा, और अगर वो दो पिक करेगा तब दो कॉइन बचा होगा जो कि ए इजिली पिक कर सकता है। इसी तरीके से अगर बी वन पॉइंट पिक करेगा तो टेबल पे कितने बचेंगे, थ्री, जो कि ए इजिली से पिक कर सकता है, यानी ए मैच जीत जाएगा। सेकेंड केस, अगर बी का जब टर्न था तो उस पर पांच कॉइन थे, मान लो कितने कॉइन थे, पांच कॉइन थे। अब अगर पांच कॉइन है तो मान लो बी ने वन कॉइन पिक किया तो टेबल पे बचेंगे फोर, बी ने टू पिक किया तो टेबल पे बचेंगे थ्री, बी ने थ्री पिक किया तो टेबल बचेंगे दो। अब देखो, अगर बी वन कॉइन पिक करता है तो ए तो जीतेगा नहीं, ए तो जीतने से रहा, क्योंकि जैसे ही बी वन कॉइन पिक किया तो ए के पास होंगे चार, यानी इससे जस्ट पहले वाला केस आ जाएगा, ठीक है, जब बी के पास चार थे, जब ए के पास चार कॉइन होंगे तो ए कितना पिक करेगा, या तो वन या तो टू या तो थ्री, हर केस में कुछ ना कुछ कॉइन रह जाएगा और उतना कॉइन होगा जो तीन से इक्वल होगा या उससे कम होगा, और बी इजिली पिक करके मैच जीत जाएगा। यानी पांच कॉइन हो नहीं सकते क्योंकि दोनों स्मार्ट हैं, जब टेबल पे पांच कॉइन होंगे तो ए क्या करे, बी क्या करेगा, वन कॉइन पिक करेगा, यानी बी जीत जाएगा। अगर पांच कॉइन पे नहीं जीतेगा तो छह पे भी क्या करेगा, बी, मतलब ए कभी नहीं जीतेगा, यानी केसेस हट गए। इसका मतलब जब ए का, मतलब जब बी अपना लास्ट टर्म खेलेगा, यानी जब लास्ट में बी पिक करना चाहेगा, तो उसके पास कितने कॉइन होने चाहिए, चार कॉइन, चार कॉइन होंगे तो भी चाहे जितने पिक करेगा एटलीस्ट वन, और एट मैक्स, मतलब मैक्सिमम टेबल पे तीन कॉइन बचेगा और मिनिमम
एक कॉइन बचेगा, मैक्सिमम तीन कॉइन तब बचेगा जब भी एक कॉइन पिक करेगा, मिनिमम एक तब बचेगा जब भी तीन कॉइन पिक करेगा, और दोनों केस में एक क्या करेगा, मैच जीत जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब जो लास्ट टर्न हो, यानी जब ए को मैच जीतना था और बी दोनों लोग खेल रहे थे, जब ए को मैच जीतना था तो ए के पास लास्ट टर्न में हमेशा ए प्लस बी क्वाइन होनी चाहिए। ए प्लस बी का मतलब 3+1 4, देखो 4 क्वाइन होने चाहिए, क्योंकि अगर बी मैक्सिमम 3 पिक करेगा तब भी ए के पास 1 क्वाइन बचेगा और ए इजिली पिक करके जीत जाएगा, और अगर बी 1 पिक करेगा तो टेबल पे 3 क्वाइंस बचेगा जो ए पिक करके तब भी मैच जीत जाएगा। समझ में आया? तो जब भी आपको मैच जीतना हो लास्ट क्वाइन पिक करके, तो आप ये इंश्योर करोगे कि जब लास्ट टर्न हो आपके पोजिशन का, यानी जैसे आपको अभी हम और आप खेल रहे थे, तो अगर आप गेम को जीतना चाहते थे तो आप कोशिश यही करते कि जो मेरे पास क्वाइन बचे लास्ट में वो क्या बचे, 4 बचे। ठीक, उससे जस्ट पहले की बात करते हैं। अब देखो, मान लो सेकेंड खत्म हो गया, 4 क्वाइन थे, अब 4 के पहले आपका टर्न होगा, यानी पहले देखो, पहले ए फिर बी फिर ए का टर्न था, यहां तक तो 4 क्वाइन थे, अब यहां पे कितने होने चाहिए, यहां पे और यहां पे, फिर यहां पे ए और बी का मिला के आएगा। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का मिला के हमेशा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ऐड करते जाना, ए भी क्या आएगा हमारा ए प्लस बी, आगे जितना भी क्वाइन होगा ए और बी का मिला के वो क्या होगा, हमेशा ए प्लस बी का होगा। ठीक है ना, यानी अगर आपको मैच जीतना है क्या करना है, जब आपका पोजीशन पिक करे क्वाइन और आपको मैच जीतना हो किसी हाल में, जैसे यहां पे क्वाइंस अगर मैं देखूं तो देखो क्या हमारा 10 है, और 10 क्या होता है, ए प्लस बी के प्लस 2 के फॉर्म का था। ठीक है ना, ए प्लस बी के प्लस 2, मतलब देखो ए क्या था, 1 था, 1+3 इंटू 2+2 था। ठीक, अगर यह केस हो सकता था कि a प्लस बी यानी 4k+1 या 4k+2 या 4k+3 इसी फॉर्म में हो सकता है, या तो 4k के फॉर्म का होगा। ठीक है ना, तो आपको डिसाइड करना हो, मतलब जो भी नंबर होगा a प्लस बी के मल्टीपल में होगा, या तो जो रिमाइंडर बचेगा यहां पे, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 4 है तो रिमाइंडर या तो 1 बच सकता है या तो 2 बच सकता है। तो इसका मतलब अगर लास्ट में जो क्वाइन पिक करेगा, ठीक है ना, अगर ओ मैच जीतता है तो जिसके पास ए प्लस बी का मल्टीपल जाएगा, ए प्लस बी का मल्टीपल जाएगा, यानी क्वाइंस अगर ए प्लस बी के मल्टीपल में होगी वो क्या करेगा, हमेशा मैच हारेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, जैसे यहां पे बी के पास जब भी 4, 8 या 12, 16 एंड सो ऑन, अगर ए वाला टर्म आएगा तो भी कभी मैच जीत नहीं सकता हो, चाहे कितना भी स्मार्ट हो। ठीक है ना, अब हम एक चीज देखेंगे कि मान लो देखो ए प्लस बी का मल्टीपल है तब तो हारेगा। ठीक, अगर ए प्लस बी का मल्टीपल नहीं है, मान लो जैसे यहां पे हमारा था ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 1+3 यानी 4k, यानी हमारा था 4k था ना, तो अगर 4k के फॉर्म का है तो बी मैच हमेशा हारेगा। ठीक है ना, जब उसके पास 4k का मल्टीपल पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है यहां पे 4k+1 हो या 4k+2 हो या तो 4k+3 होता। ठीक है ना, क्योंकि 4k पे तो हारेगा, यही हो सकता है 3 केस, यानी क्योंकि जब किसी नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1, 2 या 3 आएंगे। ठीक है ना, जब b के पास इस टाइप का नंबर हो तो b जीतने के लिए क्या करना होगा, जैसे अगर मैं केस की बात करूं, हमारे पास b पहले पिक कर रखता था और यहां पे a था, और क्वाइंस अगर देखूं मैं तो क्वाइंस 10 थे टेबल पे, जो कि 4k+2 के फॉर्म के थे, क्योंकि देखो मैं 10 को लिख सकता हूं ना, 4 × 2+2 यानी 4k+2। अब इस केस में अगर बी स्मार्ट था तो बी को तो हारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैच हम और आप खेल रहे थे, आपको आइडिया नहीं था, आपने 1 क्वाइन पिक किया तो आप मैच हार गए, आप 2 क्वाइन पिक करते तो किस तरीके का होता, 3 पिक करते तो क्या होता, या जीतने के लिए क्या करना होता, मैं आपको बताऊंगा। देखो जस्ट इन केस अगर बी 2 क्वाइन पिक करता, बी 2 क्वाइन पिक कर रहा है, अब टेबल पे कितने होंगे, 8। अब देखो टेबल पे आ गए 8 क्वाइंस, 8 क्या है,
फोर का मल्टीपल है। अब एक कुछ भी कर ले कभी मैच जीतेगा नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली स्मार्ट हैं। क्योंकि मान लो ए ने अगर वन कॉइन पिक किया तो बी अगली बार थ्री कॉइन पिक कर लेगा, थ्री प्लस वन चला देखो टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स चले गए, फोर कॉइन बचे हैं। अब ए क्या करेगा, वन पिक करे तो बी थ्री पिक कर लेगा, ए अगर टू पिक करेगा तो बी टू पिक कर लेगा, पूरे कॉइन खत्म। देखो सम करो, टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू प्लस टू फोर, यानी टेन हो गए, बी जीत रहा है। अगर ये थ्री करेगा तो बी वन कर लेगा, यानी बी मैच जीत गया। मान लो कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है सर आप ऐसा बोले यहाँ पे टू, मैं भी टू पिक कर रहा हूँ, ठीक है ए भी टू पिक करे, ए ने टू पिक किया तो बी क्या करेगा वन पिक कर लेगा, नहीं टू टू है ना, हाँ बी क्या करेगा टू पिक कर लेगा, क्योंकि देखो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स हो गया, अभी भी क्या है ए के पास फोर पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी ये मैच हारेगा, क्योंकि ये चाहे वन पिक करे तो ये थ्री पिक करेगा, ए टू करेगा तो ये टू कर लेगा, ए वन पिक करेगा तो ये क्या करेगा ये भी वन पिक कर लेगा, सॉरी ये थ्री पिक कर लेगा, मैच तो हारना है ए को, ठीक है ना, ये थ्री पिक करेगा तो ये वन पिक कर लेगा। ठीक, कहोगे नहीं सर बी ने टू पिक किया तो क्या करता है, मैं थ्री पिक कर लेता हूँ, कर लो भाई, बी ए ने थ्री पिक किया तो बी क्या करेगा वन पिक कर लेगा, अभी भी टू प्लस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स हो गया, ठीक है ना, क्या होगा ए के पास फोर कॉइन जाएगा और ये मैच हार जाए। इसका मतलब स्मार्टनेस देखो, पहले बी क्या किया, ये जो नंबर था यानी जो नंबर हमारा क्या था टेन था, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी किया और इसका क्या किया रिमाइंडर, यानी बी ने, बी क्या करना है जो लास्ट में कॉइन पिक करेगा वो जीतेगा, अब फर्स्ट चांस था हमारा बी का, बी क्या कर रहा है रिमाइंडर ऑफ टेन अपॉन ए प्लस बी, टेन क्या था टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी इसको मैं बोलू इसको मान लो 10 की जगह n होता, ठीक है ना, तो b क्या करेगा रिमाइंडर ऑफ n अपॉन a प्लस b, n क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द टेबल, a क्या है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी पिक्ड और b क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी पिक्ड, उसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो पिक कर रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, जब पॉइंट्स a के पास जा रहा है तो a प्लस b का मल्टीपल जा रहा है, क्योंकि किसी नंबर से अगर उसका रिमाइंडर जैसे लाइक अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी होती जैसे 24 होती और a प्लस बी की वैल्यू 5 होती, जब 4 रिमाइंडर आ जाता 4 हटा दोगे तो जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा a प्लस बी का मल्टीपल, यानी यहाँ पे 5 का मल्टीपल बचेगा। अब जिसके पास 5 का मल्टीपल या a प्लस बी का मल्टीपल जाएगा वो तो मैच हार ही रहा है, तो इस केस में भी हमेशा क्या a क्या करेगा हमेशा मैच हारेगा, समझ में आया। तो कुल मिला जुला के जो सिंपल सा फार्मूला उसको ये समझो, जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखे पिकिंग क्वाइंस बॉल्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है ना, यानी आपको कुछ क्वाइंस बॉल्स या मैच स्टिक्स आपको टेबल से पिक करना हो, और अगर केस बोलता है वन हु पिक द लास्ट क्वाइन विल विन द गेम, यानी जब आपके आपके पास मतलब लास्ट क्वाइन पिक करके आपको मैच जीतना हो तो अगर बात करें बताओ आप कितने क्वाइन पिक करोगे, तो जो क्वाइन पिक करने की बात आती है आप हमेशा कितने क्वाइन पिक करोगे, यानी इन फर्स्ट टर्न, यहां बोलूंगा इन फर्स्ट टर्न, इन जिसका भी फर्स्ट टर्न होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वाइंस टू बी पिक्ड इज इक्वल टू क्या होगा हमारा रिमाइंडर ऑफ एन अपॉन ए प्लस डी, जहां पे एन क्या है नोट कर लो सब लोग, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस हो बॉल हो जो भी लिख देना, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस ऑन द टेबल और ए क्या है मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइंस टू बी पिक्ड, और बी क्या है, बी है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस टू बी पिक, समझ आ गया, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या जाएगा हमारा, जब आपको पहले मैच जीतना हो तो क्या करोगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्वाइन आपको पिक करना होगा। अब एक चीज और आपको, अब बताओ किस केस में हारोगे आप, आपका मान लो फर्स्ट टर्न है, जैसे मैं एक इसी का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं मान लो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की टेबल पे क्या है 24 है, यानी n की वैल्यू क्या दिया है 24 और a की वैल्यू दिया है 1 और b की वैल्यू दिया है 5, ठीक।
तो क्या आप मैच जीतोगे? आपका टर्न है फर्स्ट और आपको मैच जीतना है, तो आप क्या करो, हमेशा रिमाइंडर आप एन अपॉन ए प्लस बी पिक करोगे। अब देखो, अगर मैं करूंगा रिमाइंडर ऑफ एन अपॉन वन प्लस फाइव, यानी ए प्लस बी है, एन की वैल्यू क्या है 24 अपॉन 6, 24 को जब 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि 24 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, यानी आपको जीरो पॉइंट पिक करने हैं। फंस गए यार, जीरो तो है ही नहीं, आपको तो मिनिमम वन पिक करना ही करना है, यानी जब नंबर ऑफ पॉइंट्स एन मल्टीपल होगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी पिक्ड प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी पिक्ड, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स टेबल पे ए प्लस बी का मल्टीपल होगा, तो उस केस में जो बंदा पहले क्वाइन पिक करेगा वो क्या करेगा, हमेशा मैच हारेगा। समझ में आ गई बात, ठीक। यानी अगर टेबल पे क्वाइन मिनिमम और मैक्सिमम पिक के सम के मल्टीपल में है, तो आप चाहे जितना जोर लगा लो, अगर आप पहले क्वाइन पिक करते हो तो आप हमेशा मैच हारोगे, अदरवाइज अगर उसका मल्टीपल नहीं है तो आप रिमाइंडर पिक करके आप मैच जीत सकते हो। समझ में आ गया, एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक। बस फर्स्ट केस में इतना ही है। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड केस की, तो देखो सेकेंड केस में ये बोलता है विल लूज द गेम, यानी जो लास्ट में पिक करेगा वो मैच जीतेगा, ठीक है। इस केस में कुछ अलग नहीं करना है, देखो इस केस में कुछ अलग नहीं करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूं बस। अच्छा बताओ, जो लास्ट में पिक करेगा वो क्या करेगा, हारेगा। अभी तक क्या हो रहा था, मैं लास्ट में पिक करके गेम जीत रहा था, ठीक है, यही तो कर रहा था मैं। अब क्या करूंगा, जब मान लो मैं एन कॉइन होगा तो मैं उसको कंसीडर करूंगा, चलो ठीक है पहले एक पॉइंट साइड में कर दूंगा, एक पॉइंट साइड में कर दूंगा, यानी टोटल एन कॉइंस अगर थे, ब्लू से लिखता हूं यार, अगर मान लो टोटल एन कॉइंस थे तो उसमें से मैं क्या करूंगा, एक कॉइन हटा दूंगा, यानी मैं अज्यूम करूंगा टेबल पे एन माइनस वन कॉइन है। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी देख रहे थे आप, जब n क्वाइंस थे तो मैं रिमाइंडर लेके हमेशा जीत रहा था, यानी टेबल पे मेरे पास एक, मतलब हमेशा a से ज्यादा क्वाइन, यानी जो मेरे पास मिनिमम पिक था उससे ज्यादा और जो मैक्सिमम पिक होता है उससे कम क्वाइन बच रहे थे, और मैं इसको पिक करके जीत जा रहा था, मे भी दोनों के इक्वल भी था हमारा, ठीक है ना। यानी जो क्वाइंस बच रहे थे टेबल पे, वो जो मिनिमम पिक है और मैक्सिमम पिक के बीच में क्वाइन बच रहे थे, और मैं उसको पिक करके हमेशा जीत जा रहा था, कब, जब मुझे लास्ट में जीतना। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में जीतना है, नहीं मुझे पता है कि जो लास्ट में पिक करेगा वो हारेगा, तो जब मेरा टर्न आया मैंने क्या किया, एक क्वाइन लास्ट साइड में कर दिया, यही क्वाइन क्या करूंगा, अब एक क्वाइन मैंने एज्यूम कर दिया साइड में करने, मतलब मान लूंगा कि ये क्वाइन टेबल पे नहीं है, उसके बाद मैं एन माइनस वन, यानी अगर मेरे पास टेबल पे 24 क्वाइंस था तो मैं मान के चलूंगा 23 क्वाइंस है, ठीक, सेम प्रोसेस। अब इस 23 से 24 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं लूंगा, तो उस केस में क्या होगा, मैं हमेशा मैच जीतूंगा। यानी कैसे होगा, देखो जो एक क्वाइन बचेगा ना, जैसे मैं जो अभी केस लिया था, अभी जो मेरे पास वन क्वाइन बच रहे थे, टू बच रहे थे, थ्री बच रहे थे, क्योंकि जब सेकेंड लास्ट केस में बी के पास बचा था फोर, बी के पास फोर बच रहा था, अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट साइड में रख दिया था, कंसीडर नहीं किया था, तो अब बी के पास कितना बचेगा, पांच बचेगा, बी के पास पांच बचा, बी कितना स्मार्ट है, बी मैक्सिमम तीन क्वाइन पिक करेगा, अगर बी तीन क्वाइन पिक करेगा तो बचेगा टेबल पे कितना, दो, दो बचेगा, मैं एक क्वाइन पिक कर लूंगा, एक बचेगा, और बी को पिक करना पड़ेगा और बी हार जाएगा। समझ आया, ठीक है ना। और अगर यही चीज फोर पे था तो फोर पे जब बी वन पिक करता था तो थ्री बचता था, ठीक है ना, थ्री बचता था, और जब ए टू पिक कर सकता करता था तो टू बचता था, और जब थ्री पिक कर सकता करता था तो वन बचता था, यही केसेस होते थे, और ये तीनों मेरे फेवरेबल थे, यानी यहां पे मान लो इसको मैं एक्स मानता हूं तो ए और बी के बीच में है, ठीक है ना। अब जो पॉइंट बचेगा, चूंकि एक पॉइंट मैंने साइड में रख दिया, अब यहां पे मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, तो अब मेरे पास बचेगा या तो फोर बचेगा या तो थ्री बचेगा या तो टू बचेगा, फोर बचेगा तब भी तो मैं कितना उठाऊंगा, मैक्सिमम थ्री उठाऊंगा, एक क्वाइन बचेगा जो बी को पिक करना ही होगा और बी हार जाएगा, फिर अगर फोर बचा यहां पे थ्री बचेगा, थ्री बचेगा तो मैं टू उठाऊंगा और ए बी को, एक बचेगा टेबल पे जो बी को पिक करना पड़ेगा और वो हार जाएगा, और अगर वन बचा था पहले, वन एक और टू में, टू बचेगा अभी भी हार जाएगा। समझ आया। तो जब बात आपको करें कि वन हु पिक द लास्ट क्वाइन विल लूज द गेम, इस केस में आपको क्या करना है,
अगर मान लो टेबल पे n नंबर ऑफ कॉइंस हैं, कितने हैं n है, तो आपको हमेशा पिक करना है रिमाइंडर ऑफ n माइनस वन अपॉन a प्लस बी, ठीक है ना। एक कॉइन आप पिक करोगे तो हमेशा मैच जीतोगे। हाँ, अब अगर इस केस में देखो यहां पे इक्वल टू क्या होगा, k होगा। अगर रिमाइंडर मान लो k है, रिमाइंडर k है, तो यहां से मैं बोलूंगा ना n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू एम प्लस के प्लस वन, यही तो होगा, ठीक ना। अब अगर मानो कि एक ऐसा केस होता जब इससे रिमाइंडर हमारा क्या बचता, जीरो, यानी यहां पे k की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। उस केस में जो n होता है हमारा, वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू एम प्लस वन, यानी जब टेबल पे नंबर ऑफ क्वाइंस, क्योंकि जब जीरो बचेगा रिमाइंडर तो आप कुछ भी पिक करो आप मैच हारोगे, यानी जब टेबल पे नंबर ऑफ क्वाइंस a प्लस बी इंटू एम प्लस वन, यानी a प्लस बी के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, तो फर्स्ट वाले केस में आप मैच हारोगे। समझ आया, दोनों केस में समझ लो एक बार। इसमें कब हारोगे, जब n इज इक्वल टू होगा हमारा a प्लस बी के प्लस वन, यानी a प्लस बी के मल्टीपल से एक ज्यादा, और इस केस में अगर n इज इक्वल टू हमारा है a प्लस बी के, तो आप मैच हारोगे। अदरवाइज हर केस में क्या होगा, आप मैच जीतोगे, ठीक है ना। और कितने कॉइन पिक करने होंगे, सेकेंड केस में इसमें पिक करना होगा आपको रिमाइंडर ऑफ n अपॉन a प्लस बी, और इस केस में पिक करना होगा रिमाइंडर ऑफ n माइनस वन अपॉन a प्लस बी। समझ आया, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक केस में देखूंगा जब दो बॉक्सेस गिवेन होंगे और आपको दोनों में से यह a और b की वैल्यू पता नहीं होगी। ए और बी की वैल्यू मतलब आप मिनिमम कितने भी कॉइन पिक कर सकते हो, मैक्सिमम कितने भी कॉइन पिक कर सकते हो, तो आपको पता चले आप कैसे मैच जीतोगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हैं। पहले केस में n इज इक्वल टू 63 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द टेबल क्या है, 63। सेकंड केस में 49 है, और थर्ड केस में क्या है, 56। फर्स्ट केस में मिनिमम पिक 1 है और मैक्सिमम पिक 4, सेकंड केस में मिनिमम पिक 1 है मैक्सिमम 5, ऐसे थर्ड केस में मिनिमम पिक 2 है और मैक्सिमम पिक 6 है, ठीक है ना। अब देखो पहला है, मैच 1 लिखता हूं, जो लास्ट पिक करेगा, 1 Who will pick the last coin will पहला lose the game, और second है win the game। हर केस में आपका फर्स्ट टर्न है, यानी आपको coin pick करना है, तो बताओ पहले आप कितना coin pick करोगे। पहले का answer क्या होगा दिया है, वन हु विल पिक द लास्ट कॉइन विल लूज द गेम, यानी लास्ट कॉइन पिक करने के बाद अगर आपको आप मैच हार जाओगे तो बताओ मैच जीतने के लिए आप कितने कॉइन पिक करोगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कितने कॉइन होंगे, कॉइन होगा रिमाइंडर ऑफ n माइनस वन अपॉन a प्लस बी, ठीक है ना। क्या जाएगा आंसर, n की वैल्यू क्या है, 63, यानी 63 माइनस वन अपॉन ए प्लस बी, इसका रिमाइंडर तो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ 62 अपॉन 5, तो 62 को जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2। यानी अगर जो लास्ट में पिक करेगा वो गेम हारता है और आपको मैच जीतना है, तो आपको कितने कॉइन पिक करने पड़ेंगे, 2। सिमिलरली अगर ये होता वन हु विल पिक द कॉइन लास्ट, वन हु विल पिक द लास्ट कॉइन विल विन द गेम, तब आपको क्या करना पड़ता, यहां पे n माइनस वन नहीं होता, यानी यहां पे क्या होता, रिमाइंडर ऑफ n अपॉन a प्लस बी, और उस केस में चूंकि 1 हट गया है तो यहां पे क्या आ जाता हमारा, 3। यानी अगर आप जो लास्ट में कॉइन पिक करता हो मैच हारता तो आपको 2 कॉइन पिक करने पड़ते, जो लास्ट में कॉइन पिक करता हो अगर मैच जीतता तो आपको कितने कॉइन पिक करने पड़ते, 3, ठीक है ना। समझ में आया। सेकंड केस की बात करते हैं, ऐसे जल्दी सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा, अगर सेकेंड में देखेंगे 49 है तो जो लास्ट में पिक करेगा क्या होगा, n माइनस वन अपॉन a प्लस बी, इसका रिमाइंडर देखेंगे तो n माइनस वन क्या है, 49 माइनस वन अपॉन यानी 48, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5, 1 प्लस 5 क्या है, 6, और जब आप रिमाइंडर ऑफ 48 अपॉन 6 करोगे तो 0 आएगा, 0 आने का मतलब क्या हुआ,
जीरो आने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी क्वाइन पिक करो, आप क्या करोगे, मैच हारोगे। इसका मतलब इट डजंट मैटर आप कितने क्वाइन पिक करते हो, आप हमेशा मैच हारोगे। और अगर यही बात करें जीतने के लिए, यानी जो लास्ट में क्वाइन पिक करता वो मैच जीतेगा, तो इसमें क्या होता आपको यहाँ पे जीरो तो रिमाइंडर वन आ जाता, यानी एन अपॉन ए प्लस बी, यानी 49/6 से रिमाइंडर अगर देखोगे तो वन आ जाएगा। यानी इस केस में आपको कितने क्वाइन पिक करने पड़ते हैं, वन। सिमिलरली अगर इसका देखोगे 56 है, तो पहले वाले केस का क्या होगा, लूज द गेम, उसमें आपका हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 56-1/8। 56-1 क्या होता है, 55/8 रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7। इसका मतलब आपको 7 क्वाइन पिक करने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आप कितने क्वाइन पिक करोगे, 6 क्वाइन पिक करोगे। जब आप 6 क्वाइन पिक करोगे तो बचेगा टेबल पे कितना, 50, ठीक है ना, 50 बचेगा। तो जो सामने वाला होगा, देखो 50 से जब 50-1 करोगे अपॉन 6 करोगे, सॉरी अपॉन 8 करोगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 भी तो पिक नहीं कर पाएगा, इसलिए आप क्या होगा, हमेशा मैच जीत जाओगे या ए मैच टाई हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में अगर इसी तरीके से खेलोगे आपके पास एक चांस होगा जीतने का, अदरवाइज ये मैच क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो नंबर आ रहा है 7 में आएगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, जैसे यहाँ पे 1 बचा, तो 1 तो पिक करेगा नहीं, वो हमेशा क्या करेगा, 2 पिक करेगा। तो आपके केस में फिर क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्लेयर इक्वली स्मार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, मैंने बस दे दिया कि अगर आपको एग्जाम में आ गए तो आप कंफ्यूज। इस केस में क्या हो जाता है, मैच टाई हो जाता है, यानी कोई विनर नहीं होता है। आप बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की, जिसमें एन की वैल्यू आपको निकालना हो। जैसे दिया हो एक क्वेश्चन और लास्ट करेंगे इस पे, कि मान लो आप ए और बी मैच खेल रहे हैं और ए का टर्न है, मिनिमम पिक 1 है, मैक्सिमम पिक 4 है। आप बताओ ए मैच जीतना चाहता है किस, कब, जब ए लास्ट में क्वाइन पिक करेगा तो ए मैच जीतेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एन ऑन द टेबल, यानी टेबल पे जो एन की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती। क्या करना है, ए को मैच जीतना है कब, जब वो लास्ट क्वाइन पिक करे। तो है 48, 2nd, 51, 3rd, 74, 5th या 4th, हमारा है 70। बताओ इसमें कौन सा हमारा एन की वैल्यू होगा जिसमें ए मैच हारेगा। तो देखो अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं लिख देता हूं, जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा विल लूज द गेम, और एक बार जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो विल विन द गेम। तो देखो जब लास्ट में क्वाइन पिक करके विन द गेम था, तो इसमें मैंने बताया था कि जो एन था ए प्लस बी का अगर मल्टीपल होगा तो, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब लास्ट में क्वाइन पिक करके मैच जीतना हो तो उस केस में ए तभी हारेगा, यानी जो फर्स्ट पिक करने वाला होगा तभी हारेगा जब नंबर ऑफ क्वाइंस ए प्लस बी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का मल्टीपल यानी 4+1 5 है, 5 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 70। ये हमारा क्या होगा, अगर एन की वैल्यू 70 होगा तो ये हमेशा मैच हारेगा। और यही केस अगर होता विल लूज द गेम, जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो मैच हारता, उस केस में क्या था हमारा कि n-1/5 जो होता वो क्या होता चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसमें ये था हमारा n मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी के प्लस 1। अगर इस फॉर्म में होगा तब भी क्या होगा, मैच हारेगा। उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, 51। क्योंकि देखो 51 जो है हमारा, अगर 51 से आप 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 50, जो कि 4+1 5 का मल्टीपल है। यानी अगर लास्ट क्वाइन पिक करने वाला मैच हारेगा तो अगर टेबल पे 51 क्वाइन होगा तो एक कभी मैच नहीं जीतेगा, और अगर लास्ट क्वाइन पिक करने वाला मैच जीतेगा तो टेबल पे 70 क्वाइन होगा तो एक कभी मैच नहीं जीतेगा, ठीक है ना। तो इसको हम रब करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूं, जो अभी मैं कर रहा था कि जैसे एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा उस पर, वो टोटली क्या होता है, रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। जैसे मान लो एक टेबल पे मान लो दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये हमारा B1 है
और एक बॉक्स बी टू है। बी वन में 4 बॉल्स हैं और बी टू पे 9 बॉल्स हैं, ठीक है ना। और दो प्लेयर्स हैं, पहला है ए, सेकेंड है बी, ठीक है। और ए का टर्न है, ए को कॉइन पहले पिक करना है, तो आपको ये बताना है कि ये कितने पॉइंट पिक करे जिससे मैच जीत जाए। कंडीशन क्या दिया है, पहला है वन कैन पिक एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक। सेकेंड वन शुड पिक इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम बोथ बॉक्सेस इफ ही वॉन्ट्स टू पिक कॉइन, इफ ही वॉन्ट्स टू पिक कॉइंस फ्रॉम बोथ बॉक्स। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक क्वाइन एक बॉक्स से क्वाइन पिक करना चाहते हो, जैसे इसमें से पिक करोगे तो आप 9 के 9 पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें से पिक करना चाहते हो तो 4 के 4 पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों से पिक करोगे, तो अगर इसमें से 1 पिक करते हो तो आपको इसमें से भी 1 ही पिक करना है, इसमें से अगर 2 पिक कर सकते हो और तो इसमें से भी 2 ही पिक करोगे। यानी आप एक क्वाइन मतलब एक बॉक्स से जितने क्वाइन पिक करते हो, दूसरे बॉक्स से भी आपको उतने ही क्वाइन पिक करना होगा, अगर आप दोनों बॉक्स से क्वाइन पिक करना चाहते हो तो। अब आपको ये बताना है कि जो लास्ट में क्वाइन पिक करेगा वो मैच जीतेगा। तो बताओ ए को मैच जीतने के लिए, जबकि ए फर्स्ट है जो क्वाइन पिक कर रहा है, ए को कितने क्वाइन। क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ए 2 क्वाइन पिक करेगा और मैच जीत जाएगा। कैसे ये आपको फाइंड आउट करना है, और अगर आप फाइंड आउट कर लेते तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और क्वाइंस पिकिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसको सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट्स आता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, जिससे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।